तो फिर हम अभी लगातार चलने वाले हैं। धूम ज्यादा से शायद आपको ना दिख रहा हो, पीछे वाले भी आगे हो गए हैं। तो भाइयों यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है केदारनाथ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और हर महादेव सभी को। अभी हूँ मैं सतारा बस स्टैंड, दिख रहा होगा आपको चंडीगढ़ में, और मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ। मतलब हमने केदारनाथ, टूंगनाथ और बद्रीनाथ एक साथ जाना है। मतलब अभी हमारे पास कोई यात्रा पास नहीं है, कोई ई पास नहीं हमने बनवाया। देखते हैं हमें आगे हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिलहाल मैं सतारा बस स्टैंड पर हूँ और मेरे को बस मिल चुकी है, पर बस हमें डायरेक्ट ऋषिकेश की नहीं मिली है, हमें देहरादून की बस मिली है। देहरादून से हम देखते हैं कि हम ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ से फिर बस चेंज करेंगे केदारनाथ जाने के लिए। तो देखते हैं, फिलहाल हमारे पास कोई भी पास नहीं है तो यात्रा का काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस बार। पहले हम गए थे 2020 में गए थे, तो 2 साल हो चुके हैं, तो इस बार हमने जाना था तो पास तो हमारे पास है नहीं। हम फिर निकल चुके हैं घर से, अब देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं मिलता जाने का। तो हम फिलहाल जा रहे हैं और हमने ऋषिकेश जाना है, वहाँ से हम देखते हैं कि बस वगैरह कैसे मिलती है हमें। फिलहाल हमें मिल चुकी है देहरादून की बस, तो हम जा रहे हैं। मेरे साथ आया मेरा फ्रेंड गोलू, दूसरा आया है शुभम। तो अभी हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम हैं ऋषिकेश बस स्टैंड पे और ये पीछे आपको लाइन दिख रही होगी, चारधाम यात्रा फ्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब ऑफलाइन होती नहीं है अभी, इसलिए हो रही है क्योंकि 2-3 बसेज आई हुई थी बाहर से, जिनको पता नहीं था मतलब यात्रा के बारे में कुछ भी, उनके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए 2-4 दिन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन का इंतजाम कराया फ्री में, तो यहाँ पर वो हो रही है। तो हमारे को भी मौका शायद नहीं मिलता, हम भी इन्हीं के साथ ही शायद हमारी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हम सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सुबह यहाँ तक लाइन थी और अब वो लाइन थोड़ी अंदर तक चल गई है। तो फिलहाल अब हम इनके साथ ही जा रहे हैं, वैसे हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं गौरीकुंड से, फिर हम कल हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर हम अभी भी गौरीकुंड के लिए निकलते हैं तो मे बी हम नाइट तक पहुँचते हैं वहाँ पर। तो अब मिलते हैं गौरीकुंड में, दिखाते हैं आगे ही यात्रा। सो फाइनली गाइज, हम सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं 2, और हम गाड़ी में, जिस गाड़ी में आए थे उसमें मैं अपना ट्राईपॉड भूल चुका हूं, तो वो तुम जाते हैं देख लेंगे, हम ऋषिकेश में ले लेंगे वापसी। अभी हम जा रहे हैं यहां से, कंटिन्यू करते हैं रास्ता, ये रास्ता है जो ये गौरीकुंड की तरफ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं होटल वगैरह लेते हैं वहाँ पर और वहाँ से कब से हमने ट्रैक स्टार्ट करना है। तो फिलहाल हम गौरीकुंड जा रहे हैं, ये रास्ता है, तो मिलते हैं आगे और दिखाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस सभी को, अभी हूँ मैं गौरीकुंड में। कल रात हम गौरीकुंड में आ गए थे और ये यहाँ पे नीचे गौरीकुंड है और यहाँ पे हमारे बार नहाने के लिए जाते हैं। वैसे पिछली बार हम लास्ट टाइम आए थे तो यहीं नहाने गए थे, अभी काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे गए नहीं है। हमने होटल में ही बाल्टी मंगा ली, मतलब गौरीकुंड में काफ़ी गर्म पानी होता है तो इसलिए हमने होटल में ही बाल्टी मंगा लिया, यहीं पर हमने नहा लिया। और इस बार होटल भी काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे बारिश हो गई है तो बारिश की वजह से हम थोड़े लेट ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम वैसे सोच रहे थे कि शायद बारिश बंद हो जाए, अब बारिश बंद तो हो नहीं रहा, अभी हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हम कब तक चढ़ेंगे ऊपर। बस हमें रेनकोट लेना है, सारे नहा लिए, धो लिए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है फिर भी नहा लिए हैं, बस देखते हैं कैसे रहता है आगे का सफ़र। जय शंकर महाराज। सो गाइज, फाइनली अब हमने यात्रा स्टार्ट कर दिया है, मतलब काफ़ी देर से यात्रा स्टार्ट थी हमें पता नहीं था, तो 10 मिनट के लिए यात्रा भी खुली है और अभी हमने चलना स्टार्ट करा है। हमारे बंदे पीछे आगे रह गए हैं, हम भाग भाग के इसलिए आ रहे हैं, अभी सांस चढ़ेगा, हम भाग भाग के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 10 मिनट के लिए खुली थी यात्रा, तो इसलिए हम भाग भाग के आए हैं। अभी रास्ते में रुके हैं, यहाँ पे यहीं से स्टार्टिंग होती है, यहीं से घोड़े लिए किसी ने अगर घोड़े लेके अगर जाना हो आगे, और घोड़ों का रेट भी अभी यहाँ पर थोड़ा महंगा होगा, उससे आगे थोड़ा सस्ता, उससे आगे थोड़ा सस्ता, और हमारे बंदे भी पीछे रह गए हैं और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी और देखते हैं कब तक हम पहुँच पाएंगे। जो पहले पिछली बार चेक पोस्ट थी, जब हम पहले 2 साल पहले आए थे तो पीछे थी, अभी ये नई चेक पोस्ट बनी है आगे, ये मतलब फाइनल चेक पोस्ट है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट चेक पोस्ट आती है वो है। तो यहाँ से अगर आप एक बार चल गए तो आगे आपको कोई नहीं रोकेगा, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, फिर शायद हमें कोई ना रोके। बस अभी हमने स्टार्ट ही करा है और अभी यहाँ पे थोड़ी भीड़ हमें कम दिखने लगी है, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब यहाँ पे रश कम है।
तो हम लगातार चल रहे हैं यहाँ से। बाकी अब ऊपर देखते हैं भीड़ कैसे कैसे कितनी कितनी होती जाएगी। बाकी आगे मिलते हैं आपसे। बाकी मेरे यार तो सारे हैं, दो चार पीछे, एक दो आगे चल गया है। कोई अगर पीछे रह जाता तो उसके लिए सारे रुक जाते हैं। इस बार वैसे मैंने देखा है कि लोग घोड़े पे बहुत जा रहे हैं, पता नहीं बारिश करके जा रहे हैं क्योंकि बारिश है इस बार, तो घोड़े बहुत है इस बार, इसलिए रास्ते में कीचड़ी बहुत है। आप जितनी जितनी ऊपर चलते रहोगे घोड़ों का रेट भी उतना उतना कम होता जाएगा, नहीं तो आपको पहले स्टार्टिंग में 8,000-10,000 भी बोल देते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अगर किसी ने वैसे कभी घोड़ा लेना हो तो बीच में से ले, क्योंकि बीच में से बिल्कुल आपको आधा रेट मिलेगा, तो बिल्कुल सही होगा। वो लग रहा है इस बार सारे घोड़े पे ही जा रहे हैं, हम ही हैं जो लग रहा है पैदल जाने वाले हैं। कुछ ही बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे जो पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। ज़्यादातर इस बार मेरे को घोड़े वाले दिख रहे हैं, और इस बार रश भी बहुत है। मतलब पिछले साल जब मैं आया था इतना रश नहीं था, ऐसा था कि मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिखा है, एक आगे दिखा और एक और आगे दिखा है, या दो आगे दिखे हैं, तो इस बार काफ़ी रश है। तो भाइयों जो ये ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसका कोई काम नहीं है, ये ना कहीं चेक हुई है ना इसका कोई मतलब लग रहा फ़ायदा है, ये कोई काम की नहीं है, ऐसी मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कराई हुई है इन्होंने। तो मैं शायद इसको अभी मैं फेंक नहीं रहा हूँ, आगे जाके फेंकूँगा, क्या पता कहीं आगे मांग ले, तो इसलिए मैं इसके साथ में रख रहा हूँ। तो वैसे अगर आप आते हो तो करा के ही आना, कि बिना अगर आप करा आते हो तो आगे नहीं मांग सकते, फिर आपको रोक लिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर कहीं भी आते हो तो बना के आना। अभी फ़िलहाल मैं भैरव मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। अभी फ़िलहाल मैं कुछ खाया तो है नहीं, बिस्कुट वगैरह खा के काम चला रहा हूं, और आपको कुछ वीडियो के मतलब यात्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये पीछे मेरे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि ये पोस्टर लगा हुआ है, ये आप पढ़ के इसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसमें सारी दी हुई है कि कब यात्रा शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यात्रा के दौरान। और मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये भैरव मंदिर के पास है। अभी फ़िलहाल हम भैरव मंदिर आ चुके हैं, और ये रहा भैरव मंदिर। यहाँ पर हम मत्था टेक के चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जय शंकर, जय भैरवनाथ। जय भोले। साथ एक लड़का मेरा यार दोस्त आया था, महाराष्ट्र से आया था, वो भी घोड़े पे हो गया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ पैदल जाऊंगा और पैदल यात्रा करूंगा, पर वो भी अब थक के घोड़े पे चल गया। तो हम तो पैदल यात्रा करते हैं और हमारे को आदत भी है, तो हम पैदल यात्रा ही करेंगे। हम चल रहे हैं, जय भोलेनाथ। अभी हम लगातार चलते हुए आ रहे हैं, जब से हमने चलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से, हम 3 किलोमीटर तक चल चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा गोरीकुंड, 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब अभी बहुत पड़ा है। अभी हमने जब बोर्ड नहीं देखे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम बहुत आगे तक चल के आ चुके हैं, पर अभी हमें आगे पता लगा कि हम अभी चले ही कुछ नहीं है। तो फिर हम अभी लगातार चलने वाले हैं। अभी हमसे जो पीछे थे, पीछे वाले भी आगे हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर भी यहाँ से लगातार उड़ रहे हैं, आपको शायद ही दिखेगा। अभी हम चल रहे हैं, सो गाइस बहुत टाइम चलने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ से रामबाड़ा रह गया 3 किलोमीटर, और हमने यहाँ से रामबाड़ा जाना है। रामबाड़ा हम रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, हमने तो कुछ नहीं खाया, 2 घंटे से लगातार चल रहे हैं, रुके भी कहीं नहीं है। ये जो ब्रिज आता है लास्ट में, यहाँ पे ब्रिज के पास आए हम, शायद आपको दिखे ब्रिज के पास हम सीधे रामबाड़ा रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो आपको मिलते हैं सीधा रामबाड़ा। तो भाइयों हम रामबाड़ा से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और काफ़ी ऊपर आने के बाद हमको ये जो पहला ग्लेशियर दिखा है, ये देखो इस ग्लेशियर में यहाँ पे खड़े हो गए, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब इस टाइम मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे को गर्म पजामी लेके आनी चाहिए थी नीचे, और अंदर तो मैंने इनर पाया हुआ है लेकिन नीचे गर्म पजामी नहीं पाई हुई, लोअर पाया हुआ है, और जूते मेरे गिल्ले हो गए हैं। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो जूते थोड़े अच्छे लाएँ, ताकि पानी अगर लग भी जाए तो आप ठंड ना लगे। मेरी सॉक्स भी अभी गिल्ली हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। अभी और ऊपर जा रहे हैं, पैर बिल्कुल ना हो चुकी है, तो मिलते हैं आगे। ये है केदारनाथ का बहुत अच्छा सफ़र। जय शंकर सभी को। अभी बज चुके हैं 10 रात के, और अभी हम रास्ते में से बेस कैंप के पास आने वाले हैं। बेस कैंप रह गया 4 किलोमीटर, और श्री केदारनाथ धाम रह गया हमारा यहाँ से 6 किलोमीटर। तो हम लगातार चल रहे हैं। अब यहाँ पे लोग भी हमें कम दिखने स्टार्ट हो गए हैं, उतर भी कम ही रहे हैं, तो मतलब हमें लग रहा है कि भीड़ भी कम ही होगी, तो दर्शन तो हम शायद ही करा पाएंगे अभी आपको, पर हम अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। 7-6 किलोमीटर रह गया श्री केदारनाथ धाम, और हमारा जो फ्रेंड है एक, उसको हमने अभी बेस कैंप से उठाना है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है,
दोस्त को लेके जाना साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कराते हैं दर्शन। तो ये रहा ट्रैक, बाकी जो हम अच्छे व्यू हैं हम दे नहीं पा रहे हैं आपको, वो हम सुबह देंगे आपको मॉर्निंग में, क्योंकि नाइट में हम शूट भी नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे, जय शंकर महाराज। सो गाइज, अभी हम बिल्कुल बेस कैंप के पास पहुँच गए हैं। अब हम बेस कैंप से अपने फ्रेंड को उठाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे टेंट जो लगे हुए हैं, ये यहाँ पे सोने के लिए लगे हुए हैं, मतलब किसी को भी अगर लेना हो तो उसके लिए हैं। और ये मैंने जो लोअर पाया हुआ था, इसके नीचे मैंने अभी पैंट पाई है, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है। अगर कोई भी आता है यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अपनी कैप वगैरह सब कुछ लेके आए, और सॉक्स भी बड़े वाली लेके आए, जो छोटी छोटी सॉक्स होती है उससे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने कि दोनों देखो कैप लगा के खड़े हैं यहाँ पे, तो बस अब चलते जा रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें यहाँ पे, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो मतलब अंधेरा होने से पहले पहले आप पहुंच जाए ऊपर, ताकि आपको अच्छे से बेस कैंप तक पहुंच जाए। हाँ, बेस कैंप तक पहुंच जाए, ताकि आपको अच्छे से टेंट मिल जाए और वहाँ पे आप रेस्ट करें और सुबह सुबह आप दर्शन कर लें। फिलहाल ये है कि ठंड ज़्यादा, मतलब कि ठंड ज़्यादा है, और जो श्रद्धालु हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी वजह से हम मतलब जो पुलिस वाले हैं जल्दी से मतलब यात्रा स्टार्ट नहीं करते हैं वहाँ पे, वो रोक देते हैं पीछे, ताकि जो पहले दर्शन करने गए हुए हैं वो वापस आए, फिर उनको आगे भेजते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप शाम तक, शाम से पहले आगे तक चल जाए, ताकि आप अच्छे से मतलब कैंप वगैरह में रह लें, उसके बाद आप मॉर्निंग में अच्छे से दर्शन कर लें। तो बस यही बताना था आपको मैंने। मैं जाता हूँ, मैं बेस कैंप में देखता हूँ अगर कोई टेंट वगैरह मिलता है तो, नहीं तो हम सीधा डायरेक्टर मंदिर के पास जाएंगे, धाम के पास, केदारनाथ धाम के पास, और वहाँ जाके हम वहीं बैठेंगे सुबह तक और लाइन में लगेंगे। जय शंकर महाराज। जो ट्रैक पे चल के आए हैं, हमें जितने भी ग्लेशियर दिखे हैं, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो दिखा है। इसके पास हम खड़े हैं, हमारे को ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ से बस निकलने का मन कर रहा है, हमने 2000 फोटो खिंचाई, हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ठंड है। और अब मेरे को लगता है कि चढ़ाई नहीं है, अब उतराई स्टार्ट हो जाएगी बस, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का रास्ता होगा, अब 45 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। तो आगे का दिखाते हैं आपको कैसे रहता है। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी हम हैं बेस कैंप में, और यहाँ पे ये जो टेंट लगे हैं देख सकते हो आप, सारे लोग ज़्यादातर यहीं पर स्टे कर रहे हैं, और इनका रेट भी थोड़ा ठीक है, मतलब ये टेंट तो मैंने पहली बार ही देखे हैं, मतलब टेंट तो होते ही हैं पर इतने ज़्यादा नहीं होते जितने इस बार लगे हुए हैं। तो ये टेंट का रेंट भी सही है, 250-300-500 आपको मिल जाएगा, मतलब इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जल्दी उठ गए, सुबह 6 बजे गए हम, जल्दी उठ गए, हम जा रहे हैं मंदिर में लाइन में लगने के लिए, तो हम मंदिर में जल्दी लाइन में लगेंगे, तो हमें जल्दी दर्शन हो जाएंगे, मत्था टेक के फिर हमने वापस भी जाना है। तो हम दिखाते हैं आपको आगे लाइन कितनी लंबी है और कितना कैसा नज़ारा है मंदिर का। बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गया, पर हमने अब तक मंदिर की झलक नहीं देखी है, मंदिर की झलक देखते हैं, दिल खुश हो जाएगा, और आपको भी दिखाते हैं, आप भी देखना। जैसे बेस कैंप से निकलते हैं, हम आगे पहुँच गए हैं, और अब हम केदारनाथ की लाइन में जा रहे हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पर, करते हैं बाबा के दर्शन, मिलते हैं आपको लाइन में। हेलीपैड बैक साइड मेरे, और यहाँ पे ये जो श्रद्धालु हैं यहाँ से इनको ले जाया जाता है और लाया जाता है, और यहाँ पे सारा ये टेंट इस बार बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये आपको पीछे बैक साइड दिख रहे होंगे। बस हमने अब लाइन में लगना है, लाइन में लग के दर्शन करने हैं, और जो केदारनाथ जी की पहली झलक है जो हमें वो दिख चुकी है, उसे देख के चेहरे बहुत ज़्यादा खुशी है, और अब सीधा हमें लाइन में लग के दर्शन करने हैं। तो अब कराते हैं आपको भी दर्शन और खुद भी करते हैं दर्शन। जय शंकर महाराज। जय शंकर महाराज। पहुंच गए बिल्कुल केदारनाथ धाम के बिल्कुल सामने, अब दर्शन की, बस दर्शन की हुआ है। लाइन आज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल छोटी लाइन है हमारी, बहुत अच्छा हमारे लिए, आ जाओ दिखाते हैं आके। ये बदरिया आ रही है।
बम बोले बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम जय बोले हर हर महादेव हर हर महादेव सभी को। तो भाइयों दर्शन करके हम आ चुके हैं और बहुत ज्यादा इस बार यहाँ पे भीड़ है। अभी तो फिलहाल आज के दिन इतनी भीड़ नहीं है पर मतलब लाइन भी इतनी लंबी नहीं है। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, खुले दर्शन हुए हैं। तो जब भी कोई आता धूंध भी बहुत, मेरे को लग रहा है कि स्नो भी शायद हो सकती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया केदारनाथ धाम के। दूसरी बार आया हूँ मैं, बहुत मज़ा आया, अगली बार भी जरूर आऊँगा। तो जय शंकर महाराज, दर्शन हमने कर लिया और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बट अभी शिवलिंग के पास जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना करके और रश भी ज़्यादा है, तो इसीलिए शिवलिंग के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपने शिवलिंग के पास जाना हो तो आपको 2 बजे रात को लाइन में लगना पड़ता है। तो फिलहाल हम लेट आए थे तो इसलिए हम लग नहीं पाए थे, तो दर्शन हमारे हो गए हैं। अब हम बहुत अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं दूसरे मंदिर, भैरवनाथ मंदिर भी जाना अभी ऊपर फादर जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर, हम नीचे हो रहा बाबा केदारनाथ मंदिर। धुंध ज़्यादा है, शायद आपको ना दिख रहा हो। और हम पिछली बार आए थे तो हम पिछली बार भी भैरव बाबा मंदिर नहीं गए थे। माना जाता है कि अगर भैरव बाबा मंदिर ना जाएं तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, मतलब दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो पिछली बार हम नहीं गए थे तो इस बार हम शुरू से ही सोच के आए थे मतलब कि हम भैरवनाथ मंदिर जाएंगे। तो भाइयों ये आ गए हम भैरवनाथ मंदिर, दर्शन हमने कर लिया, मत्था हमने टेक लिया। ये दिखाता हूँ आपको, आप भी करो दर्शन। जय भैरव बाबा, जय केदारनाथ, जय भोले शंकर। अब हमारी यात्रा पूरी हुई है क्योंकि हम भैरवनाथ मंदिर भी आ गए हैं। जय शंकर। तो ये था हमारा केदारनाथ का सफ़र, ये थी हमारी यात्रा 2022 की। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो भाइयों ये आ गए हम यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य समाधि पे। ये अभी लेटेस्ट ही बनी है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम भी हो चुका है बट हमको भी आई नहीं है ना, हमने कभी देखी है। तो हम दिखाते हैं समाधि कैसी है। ये देखो पीछे आपको केदारनाथ मंदिर दिख रहा होगा और हम दिखाते हैं वो कैसी है, हम पहले कभी गए नहीं है। ये देखिए जय शंकराचार्य। अभी हम हैं भीमशिला, ये वो पत्थर है जब परले के समय इस पत्थर ने पानी को 2 जगह डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से मंदिर सेफ रहा था। तो इस पत्थर की मान्यता भी काफ़ी हो गया, लोग काफ़ी पूजने लगे हैं इस पत्थर को, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब पूजने लगे हैं, काफ़ी मान्यता बढ़ गई इस पत्थर की। तो देख ही रहा होगा आपको कितना पूजा पाठ करी गया। भाई स्नो स्नाट हो चुकी है, सभी खुश हो चुके हैं। जय शंकर, जय बोले, जय बोले। ये देखो स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और लोग पूरा आनंद ले रहे हैं दर्शन करने के बाद, जहाँ पे हम वहीं पे डांस कर रहे हैं। अब तक तो मैंने आपको ग्रीन दिखाया था यहाँ पे सारा, ये देखो 5 मिनट में क्या हो गया है। अभी आपके सामने 5 मिनट पहले बाबा भैरवनाथ के साथ गया था, वो देखो वहाँ पे पूरा व्हाइट हो गया, पूरा सारे में देखो व्हाइट हो गई, इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो गया पे और इतना व्यू हो गई, जन्नत हो गया, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग हो गया ये। और अगर कोई भी आता है ना तो ये मत सोचना कि एक जैकेट से आपका काम चल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा अपने जैकेट से काम चल जाएगा ये मत सोचना, अपने जूते, अपने बड़े जूते, जुराबे सब कुछ लेके चलना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे कहते हैं ठंड ना के बराबर इतनी ठंड है कि आप सहन नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अपना सारा सामान लेके चले,